हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 15 अगस्त पर बहुत ही शानदार सा भाषण को देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान से बड़ी चाहत क्या होगी, वतन से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे तिरंगा नसीब हो कफन के लिए, उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी, उसे जिंदगी से क्या शिकायत होगी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहां अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था, जिसे आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह दिन हमें महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश को और उसके मूल्यों को सम्मान देना चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इस्तेमाल करें। आज़ादी के बाद हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। साइंस, टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा, आर्थिक, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र में भारत बहुत तरक्की कर चुका है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे और अपने देश भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूँगा। दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।